मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ पहुंचे हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। शहीद मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए थे शहीद। अंबेडकर चौक से शाहजहांपुर गांव तक ये अंतिम यात्रा निकाली गई है। तो बड़ी खबर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ पहुंचे हैं। बल्लभगढ़ की कुछ तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। मनोज भाटी का पार्थिव शरीर जो है आप चंदावली गांव में कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ चंदावली गेट पर जो है, मेरा आपको नजारा दिखा देते हैं। लगातार से जो लोगों का जमावड़ा है वो इकट्ठा हो जा रहा है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे लगाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मनोज भाटी का बलिदान जो है वो देश के लिए काम आया। उसी को लेकर के गर्व की बात है कि साजेपुर के लोग जो हैं यहाँ चंदावली गेट पर एकत्रित हुए हैं और जगह जगह गाँव से जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। और भाटी का जो बलिदान है उसकी याद में जो है वो गांव के लोग और युवा जो है हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता के जयकारे लगाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी जो से हमले के दौरान जो है मनोज भाटी शहीद हो गए, उसी को लेकर के आज मनोज भाटी का पार्थिव शरीर चंदावली के गेट पर कुछ ही देर में पहुंचने वाला। ठाकुर राजाराम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ठाकुर साहब, मनोज भाटी ने देश के लिए अपनी जान बलिदान दिया है, क्या कहना चाहोगे? भारती का लाल शहीद मनोज भाटी ने हमारे प्रदेश का देश का नाम रोशन किया है। इसने हमारे जो हमारी सारी बरादरी का छत्तीस बरादरी का उग्रवादियों से दुआ लेते हुए ये शहीद शहादत प्राप्त की है। मैं ऐसे शहीद को नमन करता हूँ अपने समाज की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से और पार्टी से मांग करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ, क्योंकि यमुना पुल का नाम भी इसी के नाम पर रखा जाए, शहीद के नाम पर, अस्पताल का नाम भी, स्कूल का नाम भी, रोड का नाम भी, ये सभी नामें अपने शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखे जाएं। और मैं अपने एक बार फिर परमात्मा से एक विनती करता हूँ कि भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दे, ऐसे लाल, ऐसे मिट्टी के लाल जिनको जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। देखिए हमारे साथ प्रताप भाटी जी, उनसे बात करें। प्रताप भाटी, अभी कुछ देर में मनोज भाटी का पार्थिव शरीर जो है चंदावली गेट पर पहुंच रहा है, सैकड़ों की तादाद में युवा भी एकत्रित हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, इस लड़के की, मनोज भाटी की शहादत के हम सारे के सारे मुरीद हैं। उसने अपने देश के लिए अपने स्वतंत्रता दिवस के उस पर अपनी शहादत दी है। हम सभी अपने क्षेत्रवासी बल्लभगढ़ के क्षेत्र के निवासियों की हमारी छाती चौड़ी है कि हमारे सपुत्र ने इतनी अच्छी तरीके से अपने देश के लिए शहादत दी है, और हमें गर्व है इस बात के ऊपर। और हर देश का नौजवान साथी इसी तरह का होना चाहिए जो हमारे देश के लिए शहादत दे सके। देखिए और भी लोग कहना चाहोगे? मैं ओम प्रकाश भाटी छायसा, मनोज भाटी हमारे गांव छायसा अपने शाहजहाँपुर से बहुत होनहार बच्चे थे, जिन्होंने हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का और प्रांत का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे पर हमें गर्व है और उनके माता पिता पर भी हमें बहुत ज़्यादा गर्व है। देखिए, शहीद मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए थे शहीद। अंबेडकर चौक से शाहजहांपुर गांव तक ये अंतिम यात्रा निकाली गई है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ पहुंचे हैं। बल्लभगढ़ पहुंचने के बाद तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल अंतिम यात्रा जो है उसमें शामिल हुए हैं मूलचंद शर्मा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। तो देखिए, देश के लिए वो बलिदान दिया मनोज ने, और अब उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। उसमें शामिल हुए हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। अंबेडकर चौक से शाहजहांपुर गांव तक ये अंतिम यात्रा निकली है। और यहां देखिए आप, संवेदना प्रकट करते हुए मूलचंद शर्मा खुद नजर भी आ रहे हैं, और ये काफिला उनकी अंतिम यात्रा तक, अंबेडकर चौक से शाहजहांपुर गांव तक ये अंतिम यात्रा निकली है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश भाटी जुड़े हैं। जयप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मनोज भाटी का पार्थिव शरीर जो है गांव साजेपुर में पहुंच चुका है, और
लाखों की संख्या में जो लोग हैं, गांव के लोगों की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं मनोज भाटी के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए इंतजार में खड़े हुए थे और वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि मनोज भाटी का जो पार्थिव शरीर है वो शाजापुर गांव में पहुंच चुका है और कुछ ही देर में जो है उनका दाह संस्कार जो है पूरे रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है वो यहाँ किया जाएगा। और बात की जाए नेताओं की, तमाम नेताओं का जमावड़ा जो है लगातार शुरू से सुबह से ही लगातार बनता जा रहा है और यहाँ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ जो है जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, वो तमाम अधिकारी और विधायकों की बात की जाए तो वो यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में जो है उनके परिवार, सबसे पहले परिवार के पास जो है पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, उसके बाद जो है गांव शाजापुर के खेल स्टेडियम है उसमें उनको दाह संस्कार जो पूरे रीति रिवाज के साथ जो है वो किया जाएगा। जी जयप्रकाश, बात की जाए कितने लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, साथ ही साथ ये भी बताइए कि कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए साधना, लगातार अगर लोगों की बात की जाए तो लाखों की संख्या में जो लोग हैं, युवा हैं, इस मूव में जो है शामिल हुए हैं और हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जयकारे लगाते हुए बल्लभगढ़ से जो है जो मूव निकला और गांव शाजापुर में जो है पहुंच चुका है। और नेताओं और अधिकारियों की बात की जाए तो इसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा है और जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम है। और बात की जाए तमाम अधिकारियों की, एसीपी डीसीपी तमाम अधिकारी जो है नियुक्त किए गए हैं और पुलिस व्यवस्था जो है वो चौकसी है लगातार की गई है, क्योंकि लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस व्यवस्था का जो है खास ध्यान रखा गया। जी चलिए जयप्रकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे अंबेडकर चौक से शाहजापुर गांव तक